बजरंगी, फटीपुरा का स्विमिंग पूल तो छोटा सा होता है और अपने गांव का स्विमिंग पूल तो कितना बड़ा है। तो देख क्या रहे हो, लगाओ एक डाइव। रुको रुको, क्या कर रहे हो? हमने धक्का नहीं मारा, तुम खुद ही उछले हो। हाँ? क्यों गए? चलो दूसरे किनारे तक चलते हैं। नहीं बजरंगी, बहुत दूर है। बोलो कितने दूर है? है? अरे वाह, हम इतनी जल्दी आ गए। चलो अब वापस चलते हैं। वाह अंकुश, तुम तो मछली से भी तेज तैरते हो। तो कूदो जल्दी, फिर तुम्हें मुझे खेत भी तो दिखाना है। खेत भी दिखाएंगे और वही नाश्ता भी करवाएंगे। नाश्ता खेत में? फलियों के साथ ये चने के बूटे भी तो हैं। तो भी हम और ले आते हैं ना, कम नहीं पड़ने चाहिए। आओ गोलू। बजरंगी, इतना फ्रेश और ताज़ा नाश्ता तो हमने कभी नहीं किया। बच्चों जल्दी आ जाओ, मैं खाना लेकर आई हूँ। मजा आ गया, इतने अच्छे खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। गांव में मीठे का मतलब गुड़ होता है। चलो अंकुश, अब तुम्हें गर्मा गर्म गुड़ खिलाते हैं। भाइयों, रस पक गया है, आ जाओ जल्दी से, कढ़ाई उतारनी है। शाबाश बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, तुमने ठीक समय पर कढ़ाई संभाल ली। बजरंगी, मैंने तो पहली बार ऐसा गर्मा गर्म गुड़ खाया है। मैं भी पहली बार ही खा रहा हूँ, ये तो दुनिया भर की मिठाइयों से ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में बजरंगी, अब तो जब भी स्कूल की छुट्टियाँ होगी हम गांव जरूर आया करेंगे। पाउडर है भैया, पाउडर, फ्री का पाउडर। अब तो घर तक धूल ही खानी पड़ेगी, आगे निकल ही नहीं सकते। सही बात है, अब तो बैल ही कुछ कर सकते हैं। नहीं बेटा, बैल कब इतनी तेजी से आगे दौड़ गए, मुझे तो धूल के मारे कुछ पता ही नहीं चला। है? राजू भैया, पाउडर कम तो नहीं पड़ा?
छोटे स्कूल में इतने सारे बच्चे? बेटा, पांच गांव के बीच केवल एक यही स्कूल है, सब यहीं पढ़ने आते हैं। गोलू, ये सब बच्चे नदी पार करके घर जाएंगे? सब नहीं अंकुश, तीन गांव तो नदी के इस तरफ है, हमारे गांव समेत दो गांव नदी के उस पार है, वो और हम नदी पार कर घर जाएंगे। देख लो अंकुश, शहर में बच्चों को स्कूल बस ले जाती है और गांव के बच्चे कितनी दूर से नदी पार करके पढ़ने आते हैं। सच में बजरंगी? जल्दी से पुल पार करो, लगता है डैम का पानी छूट गया है। देर हो गई तो हम यहीं पर फंस जाएंगे। कैसे आए? कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। टीपू का है। बचाओ! मुझे कोई बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! अंकुश, तुम तेज भागो और जल्दी से उस पेड़ पे चढ़ो। नदी का पानी कल तक ही कम होगा, तो हमारे पेरेंट्स भी कल ही आ पाएंगे और फिर नए रस्सी का पुल बनाएंगे, तब हम उस पार जाएंगे। उस पार तो हम आज ही जाएंगे। दोस्तों, बेले, जड़े, लकड़ियाँ, बांस, जिसे जो मिले लेकर आओ, हम लोग पुल बनाएंगे। क्या पुल? हाँ, पुल। चलो दोस्तों, आगे बढ़ो। तुम लोग लकड़ी लेकर आओ। चलो दोस्तों, घर चले। अंकुश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। हमको तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम बच्चों ने मिलकर इतना विशाल पुल बना दिया। मुझे तो ये सपने जैसा लग रहा है। तो आप पुल से नीचे कूद के देख लो राजू चाचा।
और नहीं लगी तो समझो सोते सोते खटिया से गिरे हो। ये बात है तो कूद कर देखते हैं। है?